हेलो गाइज, गुड इवनिंग, हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जिस प्रकार से मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ और आपका इंटरेस्ट देख पा रहा हूँ, हमारी टीम को बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ लाइव रहते हो। देखो गाइज, हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे और हमारे पास में जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और इस इंग्लिश में हमारे पास में दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। मैं इस बात को बार बार बताता हूँ, आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। ओके, और सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग का टेस्ट करने के लिए जो हमारी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज हैं वो हमसे कंपोजिशन का टेस्ट लेती हैं। कंपोजिशन में यहाँ से हम एक हमारा छोटी सी यूनिट थी, बट आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बड़ी यूनिट है 7 मार्क्स के लिए, उसको लेकर डिस्कस कर रहे थे। लेटर राइटिंग गाइज, लेटर राइटिंग की बात कर रहे थे हम, और लेटर राइटिंग के टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली थी आपके साथ। मैंने 2 क्वेश्चंस को सोल्व किया है लेटर राइटिंग को, और ऑफिशियल लेटर को हमने थोड़ा जाना है किस प्रकार से ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं, और आपके सिलेबस में जो इम्प्रेशनल लेटर्स हैं उनकी हम बात कर रहे थे। और वहाँ पर हमने ये सीखा है कि पर्सनल लेटर और इम्प्रेशनल लेटर में कितना सारा डिफरेंस होता है, इन सब बातों को हमने देखा है। आज हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बिजनेस लेटर के बारे में बात करेंगे। गाइज, बिजनेस लेटर वो लेटर्स होते हैं जिनमें कोई भी पर्सन किसी फर्म से कोई आइटम्स या किसी प्रकार की वस्तुएं मंगवाता है, या उससे कुछ रिप्लाई देता है उसका, या उसके रिप्लाई देता है, या उसके जो आप समझो कोई भी उन्होंने आइटम्स मंगवाए और वो ख़राब निकल गए तो उनका रिप्लेसमेंट करवाता है या उनकी रिपेयरिंग की डिमांड करता है, इस प्रकार के लेटर होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, और उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए और उसमें किस प्रकार के लेटर लिखने के लिए हमसे कहा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। आओ इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, और आपके सामने जो डिस्प्ले पर क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, और साथ ही हमारी क्लास होने के बाद में आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करके हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके व्हाट्सएप नंबर है या मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करें कि आपने होमवर्क किया नहीं किया, यानी इस नंबर को आप नोट कर ले, और किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी आपकी क्यूरीज हैं या डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए इन नंबर पर आप यानी इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 11 से 2 के बीच, यानी 11 AM to 2 PM। यहाँ पर मैं स्वयं इस कॉल को रिसीव करूँगा। आप इस टाइम के बीच में मुझे कॉल कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। गाइज, आप हमें मोटिवेट करते हो इस प्रकार की, यदि कोई आपकी क्यूरी है या डाउट्स है वो हम तक पहुँचाते हो तो। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, पूरा आपका जो भी सिलेबस है सारा सिलेबस करवाया जाएगा, साथ में नोट्स और प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, केवल आप हमारे साथ लाइव बने रहे और हमारी क्लास को डेली अटेंड करें। तो गाइज, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बिजनेस लेटर की बात करते हैं, और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए बिजनेस लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो गाइज, देखो आप डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी किस प्रकार से हमें इस लेटर को लिखना है। मेरे साथ आप पढ़िए, यू आर इन चार्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन योर स्कूल APS स्कूल मुरादाबाद, राइट अ लेटर टू मेसर्स पाइनियर स्पोर्ट्स कंपनी अम्बाला, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 स्पोर्ट्स आइटम्स विद डिटेल्स, आस्क फॉर द डिस्काउंट ऑल्सो साइन एज रमन। देखो, आपसे कहा गया है कि आपकी स्कूल है उसके फिजिकल एजुकेशन के इंचार्ज हो, और आपको एक फर्म है जिसका नाम इन्होंने बताया है पाइनियर स्पोर्ट्स कंपनी अम्बाला, और आपको यहाँ से कुछ स्पोर्ट्स आइटम के लिए ऑर्डर देना है। गाइज, देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो और पढ़कर ये पता लगाओ। देखो, अब अपन आप समझ गए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ किसके बारे में लिखना है, क्या बताया गया है, आप कौन हो, किसको लिखना है। आपको इन्होंने रमन नाम दिया है, रमन के नाम से आपको
सिग्नेचर करने हैं। देखो सबसे पहले गाइज जो राइटर होता है या सेंडर्स होता है उसका एड्रेस आता है। हाँ देखो हमने यहाँ क्या किया, ये कोई स्कूल है जो लेटर लिख रही हैं, तो हमने यहाँ से देखो गाइज आपको समझने की कोशिश करना, उस स्कूल का एड्रेस लिखा है R-501, ये इस उस स्कूल के का एड्रेस है। उसके ठीक नीचे एक लाइन आपने छोड़ दी होगी और फिर आपने यहाँ डेट लगाई है। डेट लगाने के लिए मैंने आपको सारी फॉर्मेट बताए हैं, ये सारी फॉर्मेट बता देंगे, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको यहाँ लिखना है। द सेल्स मैनेजर, देखो द सेल्स मैनेजर जिस आदमी को लिख रहे हैं हमने उसकी पोस्ट को यहाँ पर इमेज करके लिखा है, ऐसा इसमें था नहीं क्वेश्चन में। द सेल्स मैनेजर, देखो पाइनियर स्पोर्ट्स कंपनी अंबाला, ये सारी बातें हमने लिखी है, यानी इस आदमी को हम लेटर लिख रहे हैं, इस फर्म के मैनेजर हैं। सब्जेक्ट क्या लिखा हमने, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स, ये सब्जेक्ट हमने क्वेश्चन में से को पढ़कर ये पता लगा लिया कि किसके बारे में लिखना है। गाइस देखो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी, मैं सर्किल बना देता हूँ, यहाँ देखना आप, यहाँ हमने जिस पोस्ट किसी ने किसी का नाम लिखा है यानी उसकी डेजिग्नेशन का नाम लिखा है, तो क्या हुआ देखो, अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो मेसर्स और उसके बाद में उस फर्म का नाम लिखते हो, तो फिर आपको इस जगह पर यानी यहाँ पर सर न लिखकर इसका प्लूरल लिखना होगा, इस बात को आप याद रखिए। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, यदि आपने जहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी द सेल्स मैनेजर वहाँ पर लिखते हो आप मेसर्स पायनियर स्पोर्ट्स कंपनी अंबाला, तो फिर आपको ये सर न लिखकर इसकी जगह पर इसकी प्लूरल फॉर्म लिखनी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर मेसर्स यानी कि जो फर्म है मेसर्स का होता है बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी हुई फर्म, तो उसके लिए ये वर्ड गलत हो जाएगा, ये लिखना है आपको। चलो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हम, और सब्जेक्ट लिखा आपने, वापस रिपीट करो, सबसे पहले एड्रेस किसका जो लेटर लिख रहा है लिख दिया आपने, फिर उसके बाद में डेट, डेट फॉर्मेट आपको मैंने सारे बता चुका हूँ मैं, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखना है, और ये अमेरिकन डेट फॉर्म है इसे लिख सकते हो आप, ये अच्छा लगता है। यहाँ पर आपने लिखा द सेल्स मैनेजर पायनियर स्पोर्ट्स कंपनी अंबाला, सब्जेक्ट लिखा ऑर्डर फॉर द स्पोर्ट्स आइटम्स, ये बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं हम, फिर यहाँ सर लिखा, यहाँ सर आएगा ये इसकी प्लूरल फॉर्म आएगी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें लिखी हमने, इन सब के गाइज नंबर डिवाइड हैं, आपको यहाँ तक कुछ लिखा इसके अगर सही फॉर्मेट में सही तरीके से लिखा आपने तो आपको यहाँ से भी नंबर मिलेंगे। ओके अब देखो हम इसके मेन कंटेंट यानी कि मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं, और आपको क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को पढ़िए और मेन कंटेंट को लिखने की हम कोशिश करते हैं। देखो गाइज हम इसके मेन कंटेंट की बात करते हैं यानी बॉडी ऑफ द लेटर की बात करते हैं, क्वेश्चन जिस प्रकार से आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है और आप उसको देखिए और हमने क्या लिखा है। आपको मैं एक बात बता दूं पहले, जो सारे के सारे बिजनेस लेटर हैं जिस किसी फर्म को हम लिख रहे हैं सेम इसी पैटर्न पर लिखे जाएंगे, इनमें केवल आपकी जो मैंने आप कुछ आइटम्स की लिस्ट आउट की है ये थोड़ी चेंज हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है पर्टिकुलर आप दूसरे आइटम्स मंगवाते हो तो वो चेंज हो जाएंगे, बाकी चेंज नहीं होगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान से सुनिए आप, आपको एक लेटर याद लर्न करने का मतलब है सारे बिजनेस लेटर लर्न हो जाना। देखो सुनो, यहाँ सर लिखेंगे, अब सर्स कब लिखेंगे आपको बताएं, वी रिक्वायर सीधा सा लिखेंगे, वी रिक्वायर वेरियस आइटम, वेरियस आइटम बता दो सीधा किसके आइटम, वेरियस आइटम ऑफ स्पोर्ट्स, मान लीजिए आपको फर्नीचर मंगवाना है तो क्या लिखेंगे, वी रिक्वायर प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा, वी रिक्वायर वेरियस आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स की जगह क्या होगा फर्नीचर, फॉर द स्कूल, ये आप समझ ही गए। वापस देखो, वी रिक्वायर वेरियस आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द स्कूल, हम देखो विद्यालय के लिए हमें स्पोर्ट्स के कई आइटमों की कई सामानों की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ से इस वाले सेंटेंस को समझते हैं अपन, कोई भी स्कूल हो कोई भी फर्म हो वो क्या करती हैं, जब भी कोई चीज़ खरीदती हैं तो उसके लिए टेंडर जारी होते हैं, जिस फर्म का कोटेशन सबसे कम होता है उसको वह
वर्क ऑर्डर देते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो, ऑफ द कोटेशंस, देखो वो कोटेशंस, कोटेशंस में क्या होता है गाइज, उनके अंदर जो फर्म होती हैं अपने आइटम्स जो वह किसी को देती हैं तो उनकी रेट बताती हैं कि हम इस आइटम को इतने रुपए में देंगे और टैक्स वगैरह इंक्लूड करके, जिनकी सबसे कम होती हैं उनको ही ऑर्डर मिलता है। तो देखो, ऑफ द कोटेशंस डेट वर इन्वाइटेड, यानी जो कोटेशन मंगवाए गए थे पास्ट में है ना, मंगवाए गए थे फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, इस सौदे के लिए, यूअर रेट्स आर द लोवेस्ट, आपकी रेट सबसे कम है। अंडरस्टूड? यानी वापस देखो, ऑफ द कोटेशंस डेट वर इन्वाइटेड फॉर दिस पर्पज, जो इस पर्पज के लिए मंगवाए गए थे, यूअर रेट्स आर द लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी सबसे कम, आपकी रेट सबसे कम है। हैंस इसीलिए वी डिसाइडेड टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स। देखो ये सारी की सारी, ये जो सेंटेंस हैं, आप कोई सा भी बिजनेस लेटर लिखो, अगर आपको कोई ऑर्डर देना है तो ये वैसा का वैसा आएगा। केवल यहाँ का जो सब्जेक्ट है, यानी जिस तरह के आइटम्स आप मंगवा रहे हो, केवल वही चेंज होगा। देखो, वी डिसाइडेड टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स, ओके अंडरस्टूड? तो ये चेंज कर देंगे, इसका अर्थ हुआ इसलिए हमने निश्चय किया है कि आपसे हम बड़ी मात्रा में सामान मंगवाए। इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रोनाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। अब देखो ये समझ गए आप, अब देखो ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंडीशन है। देखो गाइस, आप क्वेश्चन में कंडीशन है कि कौन सा डिस्काउंट दे रहे हो आप, कुछ डिस्काउंट भी की भी डिमांड कीजिए आप। तो वी अप्रिशिएट द 10% डिस्काउंट। देखो अप्रिशिएट करते थे प्रशंसा करना, लेकिन यहाँ है देखो कामना करना। यहाँ पर आप लॉन्ग फॉर भी लिख सकते हो, वी लॉन्ग फॉर, अगर आपको स्पेलिंग लर्न नहीं होती है और याद नहीं कर रख पाते हो तो। इसलिए हम कामना करते हैं किसकी, द 10% डिस्काउंट, 10% जो छूट देते हो आप, देट यू आर ऑफरिंग ऑन द परचेज, जो आप खरीदारी पर दे रहे हो। अंडरस्टूड? हम क्या मांग करते हैं, 10% डिस्काउंट की मांग करते हैं। द डिटेल्स ऑफ द आइटम्स, जो डिटेल्स, देखो किसकी डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द आइटम्स आर फर्निश्ड, फर्निश्ड का होता है देखो गिवन, नीचे है, अगर आप फर्निश्ड नहीं लिख पाओ तो गिवन लिख देना ना, कन्फ्यूज नहीं होना है और आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। द डिटेल्स ऑफ द आइटम्स, वस्तुओं की डिटेल्स विवरण आर गिवन बिलो, नीचे लिखा है। ये इस प्रकार जो लिस्ट आउट की गई है, इन आइटम्स की आप डिमांड करते हो, यानी इस इन चीज़ों का आप उनको ऑर्डर दे रहे हो, ओके। अब देखो हम क्या, हमें इस प्रकार से कैसे बनाना है, सबसे पहले समझो आप जो भी आइटम्स मंगवा रहे हो उनकी लिस्ट आउट, उनको लिस्ट आउट करने के लिए इस प्रकार से एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। सबसे पहले वाले कॉलम में आप लिखेंगे सीरियल नंबर, देखो समझना उसको, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का अर्थ है विशेष, यानी कौन सा आइटम है उसका नाम लिखना पड़ेगा, ब्रांड, किस ब्रांड का चाहिए आपको। देखो मैंने जो ये ब्रांड बताई आपको, ये अक्सर एक्चुअली इस ब्रांड की ही हॉकी स्टिक्स वगैरह मिलती हैं। हम याद रखेंगे, आप सबने सचिन तेंदुलकर को खेलता हुआ देखा है, और नहीं देखा हो तो आप समझते इस बात को कि MRF का बैट, क्रिकेट बैट आता है, समझ गए आप, बॉल भी आती है। तो इन कंपनीज यानी ब्रांड का नाम लिखेंगे हम, फिर नंबर्स में वो आइटम्स यानी कितनी संख्या में, क्वांटिटी में चाहिए आपको, वो वाले नंबर मेंशन करने हैं। आप समझिए, देखो वहाँ पर आपने लिस्ट आउट किया इनको, तो नंबर 1 पर रखा आपने हॉकी स्टिक्स। अब हॉकी स्टिक्स कौन सी कंपनी की चाहिए, कोहिनूर कंपनी की, कितनी संख्या में चाहिए, 24। हॉकी बॉल्स, आपको हॉकी बॉल्स चाहिए कोहिनूर कंपनी की, और कितनी संख्या में चाहिए, 5। फुटबॉल चाहिए आपको गोल्डन कंपनी का चाहिए, और कितने चाहिए, 5। क्रिकेट बैट चाहिए आपको MRF के चाहिए, और कितने चाहिए, 4। और भी हैं, और भी बताओ कौन से सामान जो खेलने काम आते हैं अपने, आप यहाँ पर
क्रिकेट बॉल्स मंगवा सकते हो, क्रिकेट का किट मंगवा सकते हो, उनकी लिस्ट आउट हम करेंगे, उनको लिस्ट आउट करेंगे, लिस्ट बढ़ती जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से देखो आप इस क्वेश्चन को, देखने पर आपको पता लगा होगा कि एपीएस स्कूल हैं उसके फिजिकल एजुकेशन के जो इंचार्ज हैं उनको कुछ स्पोर्ट्स के आइटम चाहिए और वो एक पायनियर स्पोर्ट्स कंपनी अंबाला को लेटर लिखते हैं और ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने का मैंने तरीका समझा दिया आपको। देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्था हो, अगर वो किसी फर्म से बार्गेनिंग करती हैं, सौदेबाजी करती हैं, तो उसके लिए गाइज कोटेशंस मंगवाने पड़ते हैं क्योंकि उनको टेंडर देना पड़ता है। तो टेंडर देने के लिए क्या करते हैं, वो वैकेंसी निकालते हैं, विज्ञप्ति निकालते हैं अखबार में, या उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। बहुत सारी फर्म आती हैं, उनको अपने कोटेशंस देती हैं और जो सबसे कम जिस फर्म का कोटेशन होता है उस फर्म को वह वर्क ऑर्डर देते हैं। ओके अंडरस्टूड। अब वापस समझते, देखो सर लिखेंगे इसकी प्लूरल फॉर्म कब लिखेंगे, आप समझ गए। फिर वी रिक्वायर वेरियस आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द स्कूल ऑफ द कोटेशंस दैट वी वर इन्वाइटेड फॉर दिस पर्पज, योर रेट्स आर द लोवेस्ट, हेंस वी डिसाइडेड टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स, वी अप्रिशिएट द 10% डिस्काउंट दैट यू आर ऑफरिंग ऑन द परचेज, द डिटेल्स ऑफ द आइटम्स आर फर्निश्ड बिलो। और फिर इस तरह से आइटम्स की लिस्ट आउट कर देंगे। ओके आई होप आप समझे होंगे, रट्टा नहीं मारना है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको, इसका मेन कंटेंट लिखेंगे। गाय जी हमारा लेटर लगभग पूरा हो गया, अब हम इसके अंतिम स्टेप्स यानी लास्ट वाले स्टेप पर बढ़ते हैं, लास्ट वाले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। आप चाहो तो इनको, इन आइटम्स को बढ़ा सकते हो और लास्ट में इस लिस्ट को इस प्रकार से बंद कर देना। ओके इस बात को समझ गए होंगे आप, चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप ये भी सफिशियंट हैं। गाइज हम लेटर के जो कंक्लूजन है या उसका जो लास्ट स्टेप है उसकी तरफ बढ़ गए हैं। आपने लिस्ट आउट कर लिए जो आइटम्स आपको मंगवाने हैं, उसके बाद देखो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। देखो ऑल दीज आइटम्स मस्ट रीच इन प्रॉपर साइज एंड शेप बिफोर अगस्त, या सॉरी डेट लगाएंगे 31st, क्योंकि आपने जो डेट लिखी थी वो कितने अगस्त लिखी थी, लिखने की 20 अगस्त। तो देखो इसका अर्थ हुआ कि ये सभी आइटम्स प्रॉपर शेप और साइज में 31 अगस्त 2020 तक पहुंच जाने चाहिए। योर्स फेथफुली, कौन है, रमन है, कौन है रमन, नाम बताया आप क्वेश्चन में, देखो रमन है, कौन है ये, इनकी पोस्ट क्या है, इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन। इस तरह से गाइज हमने इस लेटर की पूरी डिटेल से बारीकी से याद की और जो सेंटेंस मेकिंग थी वो आपको, आपके सामने मैंने पूरी क्लियर की। गाइज किसी भी कंपोजिशन को पूरा करने या सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के उस मैकेनिज्म को सीखना होगा आपको और उसके लिए हमें ग्रामर सीखनी होगी, तभी तो हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग कर पाएंगे। ये राइटिंग हमारी लास्ट वाली स्टेप पर आती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन क्लियर किया, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। इस तरह से हम बिजनेस लेटर की पूरी बारीकियों को सीखेंगे और परीक्षा में 7 मार्क्स के लिए आएगा और 7 में से 7 पूरे। ओके लेटर पूरा हुआ, नंबर पूरे हुए, बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रहे, थैंक यू, ओके थैंक यू। बिजनेस लेटर को पढ़ रहे थे हमने, अभी एक क्वेश्चन को सोल्व किया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इसकी पूरी बारीकियाँ सीखते हैं ताकि आपसे एग्जाम्स में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स ना हो। देखो आपको डिस्प्ले से जिस प्रकार से क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार अच्छी तरह से रीड आउट करो और ये पता करने की कोशिश करो कि हमें किसको लेटर लिखना है और किस बारे में लिखना है। आप देखो मेरे साथ पढ़िए, पढ़ते हैं हम एक साथ इसको। देखो यू आर जॉन और उर्मिला द ट्यूर इंचार्ज ऑफ ग्रांट पब्लिक स्कूल आगरा, ड्यूरिंग द समर ब्रेक्स यू आर planning to organize a tour to a place of historical importance, write a letter to the National Travel Agency Agra inquiring about the charges, facilities and all the other necessary details. वापस देखिए, देखो आप या जॉन या उर्मिला हो, आपकी स्कूल का नाम ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा इन्होंने मेंशन किया है और आप समर ब्रेक के
बीच में आपका स्कूल एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाले प्लेस पर बच्चों को ले जाने का प्लान बना रहा है। आपको एक लेटर लिखना है नेशनल ट्रेवल एजेंसी आगरा को। एक ट्रेवल एजेंसी है जो हमें बस या अन्य व्हीकल्स उपलब्ध करवाती हैं और वहाँ से आपको उसके चार्जेस, फैसिलिटी और सारी अदर डिटेल्स हैं उनकी जानकारी चाहिए आपको। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बताइए सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले आपको आपका एड्रेस लिखना है, तो आप आइए लिखिए मेरे साथ, लिखिए। देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ना अपन एड्रेस, तो आपको आपके स्कूल का एड्रेस लिखना है। तो देखो क्या लिखेंगे, T103 ग्रांट। देखो आप इसमें देखो डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन, पब्लिक स्कूल आगरा। आपको डेट लगानी है आपका स्कूल कब जाएगा घूमने के लिए समर ब्रेक में। तो आप मान लीजिए अगर आपको मई में छुट्टी मिलती है तो आप या तो अप्रैल वाली डेट लगाइए या मार्च वाली डेट लगाइए, क्योंकि आप पहले तो उनकी चार्जेज या फैसिलिटीज की जानकारी चाह रहे हो ना। तो हम यहाँ देखिए साहब मार्च लगा देते हैं और मार्च में आप लिख देते 15 2021। अब देखो किसको लिख रहे हैं आप, देखो आप वहाँ पर देखो किसको लिख रहे हैं, नेशनल, देखिए नेशनल ट्रेवल एजेंसी को लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे अपन वहाँ पर नेशनल ट्रेवल एजेंसी के मैनेजर को लेटर लिखेंगे, द मैनेजर, मैनेजर नेशनल ट्रेवल एजेंसी कहाँ की ये बताइए। देखो इन्होंने शहर का नाम, देखो आप बताया कि नेशनल ट्रेवल एजेंसी का नाम बताया कौन सा शहर है, वो भी आगरा से ही है। आप मैनेजर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखो आप सबसे पहले, किस लिए चाहिए आपको सब्जेक्ट। देखो लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, आप देखिए, इंक्वायरिंग अबाउट चार्जेज फैसिलिटीज एंड अदर नेसेसरी ऑल नेसेसरी डिटेल्स। तो वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इस चीज़ को लिख देंगे इंक्वायरिंग से, और डॉट 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 पूरा लास्ट तक कर दो, फिर इसके बाद में इस लेटर का हम इस क्वेश्चन का मेन कंटेंट लिखते हैं। आप इस चीज को समझे होंगे, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस से कोई भी आप कंपोजिशन नहीं कर पाओगे और यहां तक भी आप रट कर भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने रटा कुछ सेंटेंस या फ्रेज भूल गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा आपका। इसलिए ध्यान रखें कि आप बिना रटे हुए ही इस लेटर को कंपोज करें। अब हम इसकी मेन बॉडी है लेटर की या इसका कंटेंट है जो में लिखना है उसकी तरफ। बट गाइज हम इसके मेन कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें कंटेंट या मेन बॉडी ऑफ अ लेटर किस प्रकार से बनानी होगी। देखो सर, सर लिख ही देंगे हम, यहाँ पर हमें उस स्कूल का नाम लिखना है जो इन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया है, ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा, सीधा सा नाम लिखना है उसका। स्कूल आपका भी हो सकता है SVGMS मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल दीपपुरा, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपको जो इन्होंने क्वेश्चन में बताया है वो लिखना है आपको, ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा लिख दिया, इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो आप क्वेश्चन, देखो आप उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसी सेंटेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर। अब देखो उन्होंने जगह का नाम नहीं बता रखा क्वेश्चन में, हिस्टोरिकल प्लेस, तो आपने देहली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए इसको। और वापस देखते हैं, देखो ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा ऑर्गेनाइज कर रहा है एक हिस्टोरिकल टूर या टूर दिल्ली के लिए। वी आर अ ग्रुप ऑफ, हमें ये बताना है कितने लोग हैं, वी आर अ ग्रुप ऑफ 70 स्टूडेंट्स। देखो समझ गए, हमारा एक ग्रुप है 70 स्टूडेंट्स का, कोई दिक्कत नहीं इसको लिखने में आपको, आपको इजी सेंटेंस लिखने हैं और किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का कम से कम यूज करना है। देखो 7 टीचर्स एंड 4 प्यून्स विल ऑल्सो अकम्पनी अस, 7 टीचर और
चार चपरासी भी हमारे साथ होंगे। इस सेंटेंस में देखो विल ऑल्सो अकम्पनी अस, ये वर्ब हैं और विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वी वॉन्ट्स टू लीव, हम जाना चाहते हैं या आगरा छोड़ना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लीव आगरा फॉर दिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 20 मई, 20 मई को अर्ली मॉर्निंग में हम आगरा छोड़ना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लीव, चाहते हैं किसको, आगरा को फॉर दिल्ली के लिए, यानी आगरा छोड़कर हम दिल्ली जाना चाहते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को हम कंपोज करते हैं, लीव आगरा, लीव दिल्ली, लीव कोटा, लीव जयपुर, लीव मसूदा, इस प्रकार से। यू विल अरेंज फॉर द कंफर्टेबल स्टे ऑफ स्टूडेंट्स, देखो इन्होंने एक बात लिखी है, यू विल अरेंज, आपको अरेंज करना है, करना होगा या करना है या करोगे, कंफर्टेबल स्टे, आरामदायक ठहरने की व्यवस्था ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए आपको ठहरने की व्यवस्था भी करनी नहीं है। वी एक्सपेक्ट अ रीजनेबल क्लीन, और हम उम्मीद करते हैं कि रीजनेबल हो, क्लीन एंड अफोर्डेबल अकोमोडेशन, अकोमोडेशन होता है देखो ठहरने की जगह को बोलते हैं निवास स्थान, इन अ गुड होटल, एक अच्छी होटल में। वापस देखते हैं, पहले स्कूल का नाम लिखा, इज ऑर्गेनाइज, क्या कर रहे हैं वो लिखा, फिर किस शहर को जा रहे हैं वो लिखा, कितने लोगों का ग्रुप है, स्टूडेंट की संख्या बताई, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टाफ मेंबर्स हैं उनके बारे में संख्या बताई, और आप कब जा रहे हो ये बताया, और आपको क्या चाहिए, यानी आपको अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है इसको कौन प्रोवाइड करवाएगा। अगर आप इस एजेंसी को इस बात के लिए पहले से बोल देते हो तो आपके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इस प्रकार की बातें इन्होंने लिखी। और अब देखो इसके कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम उनसे, इस एजेंसी से ये पहले से फिक्स करना चाहते हैं या बता देना चाहते हैं कि आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है, तो हम उन चार पांच को लिखेंगे। आप इसको यहाँ तक नोट करें, हम इसका जो अंतिम स्टेप है या कंक्लूजन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइज, हम इस लेटर की एंडिंग किस प्रकार से करेंगे। ओपनिंग तो आपने देखी है और आपने ये भी समझा है कि इस क्वेश्चन को आंसर में किस तरह से देना है। देखो आपने सारी बातें बताई क्या क्या चाहिए आपको, अब देखो लास्ट में कैसे करते हैं अपन। फर्निश वर्ड को मैंने आपके लिए अभी क्लियर किया था, इसका अर्थ होता है गिवन एंड गिव, भेजिए देना। काइंडली फर्निश द फ्लोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द चार्जेज एंड फैसिलिटीज बाई यू ड्यूरिंग स्टे, समझ गए, इसका अर्थ हुआ आप जहां पर हमें रुकवाओगे वहां की जो चार्जेज और फैसिलिटीज है उनके बारे में निम्नलिखित डिटेल को हमें भेजिए, बताइए इस बातों को, इन सारी बातों को बताइए हमें कि आप किस प्रकार से हमें ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाओगे, इनके चार्जेज क्या होंगे। देखो आप यहां पर आपको दो चार कंडीशंस देनी है और यह अपनी क्यूरीज या डाउट्स आपको उस फर्म के साथ में शेयर करने हैं। देखो पहली बात देखिए, How will you accommodate 70 students? किस तरह से आप 70 स्टूडेंट को किसी जगह पर ठहराओगे, यानी स्टे करवाओगे, accommodate यानी जहाँ पर हमें खाने पीने रहने की, यानी रहने की सुविधा मिलती हो। देखो number of rooms and their total charges, कितने कमरे होंगे और उनका total charge कितना होगा ये भी हमें बताइए। अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड द चार्जेज पर हेड, देखो आपका अरेंजमेंट कैसे होगा, आप ब्रेकफास्ट कैसे करोगे, लंच कैसे करवाओगे, डिनर कैसे करवाओगे और उसकी व्यवस्था क्या होगी और पर हेड चार्ज कितना होगा। आपके पास में 70 स्टूडेंट हैं तो पर हेड चार्ज कितना होगा। एयर कंडीशन लग्जरी बसेज एंड देयर चार्जेज, और आपके पास में एयर कंडीशन लग्जरी बस होनी चाहिए और उसका चार्ज कितना है। इन सब बातों को लिखकर, इन कंडीशंस को लिखकर हम लास्ट में योर्स फेथफुली लिखेंगे और इस तरह से हमारे लेटर को एंड कर देंगे। गाइज आपके सामने में हमने दो बिजनेस लेटर के क्वेश्चन के साथ में डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं या कोई आपको और स्टडी के लिए मटेरियल चाहिए तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी 20 सितंबर के बाद नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे साथ बने रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक्स।